वेलकम बैक टू दिस चैनल। आपने हिंदी में ये मुहावरा सुना होगा, धूल चाटना, जिसका मतलब होता है हार जाना। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट, इसके कई मीनिंग्स हो सकते हैं, जैसे कि सफर अ डिफीट, हार जाना, टू डाई, मर जाना, या फिर हो सकता है ब्रेक डाउन, मीन्स खराब हो जाना। अब सीखते हैं इसका सेंटेंस। आई थिंक दैट माई कार हैज फाइनली बीटन द डस्ट, मीन्स मुझे लगता है कि मेरी कार आखिरकार खराब हो गई है। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है, तभी यहाँ पर हैज बीटन, हैज प्लस थर्ड फॉर्म लगे हैं और ये बन गया हैज फाइनली बीटन द डस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और आप भी इसका एक सेंटेंस लिख के कॉमेंट सेक्शन में बताइए।